लॉरेंस बिश्नोई जो है, मतलब इन्होंने सलमान खान के साथ भी पंगा ले, जेल में उनको फोन दिया हुआ है, वो अपनी जेल में मिरर सेल्फीज ले रहे हैं। कैसे हो सकता है? मुझे तो इधर मिरर नहीं दिया हुआ, मुझे बस तो मेरा ही नहीं जेल में तो इमरान खान भी है, हमने नहीं देखी कभी उनके पीछे। हाय वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल, मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ है तारिक और आज हम लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर वीडियो देखने जा रहे हैं। बायोग्राफी है इनकी, लेकिन भाई लॉरेंस बिश्नोई की एक हमने पहले भी exactly देखी थी भी है। और इतना मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा था उनकी हिस्ट्री और जिस तरह से वो करते हैं, लाइक वो किस तरह से जानवरों को करते हैं प्रेज, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगा था। और उसके अलावा एक इनकी कॉन्ट्रोवर्सी वो भी चल रही होती है, पहले हम इसी वजह से जानते हैं सलमान भाई के साथ, हमें पता था कि भाई सलमान भाई के साथ कॉन्ट्रोवर्सी, और हमें एक्चुअली लगता था, मतलब हमें आइडिया पाकिस्तानियों को इतना था कि वो जो है ना, वो आई थिंक गैंगस्टर हैं या उनका थोड़ा सा उस तरह का वो है कि वो भाई लोग टाइप है, लेकिन मुझे अब पता लगा कि वो तो इतने अच्छे इंसान है कि वो जो है वो जानवरों के लिए, जो डियर जो है, जो जिनको उनके एक स्पेसिफिक वो होती है कोई स्पीशी है, उनके लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं। इवन जो अगर उनकी हिस्ट्री में जाए तो कितने लोगों ने जान दी है अपनी। ये तो मैं कहती हूँ कि एक ऐसी बात है जो कि मैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और इंसान ने इतना ज्यादा किया। ये अनप्रिडिक्टेबल था कि मतलब किसी जानवर के लिए कोई इंसान जान दे सकता है। और वो विवेक बिंद्रा ने भी बड़ा अच्छा उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था। तो वो था कि उनकी वो पता नहीं वो जो दरख्त था, दरख्त के लिए उन्होंने, और उनकी एक बंदा आगे आया उसने अपनी गर्दन कटवाई, फिर दूसरे ने कटवाई, तो वो यानी कि नेचर के लिए उन्होंने इतना काम किया। तो वो एक हमारा उस दिन ना मुझे लगा कि भाई हम ये देखने लगे, पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया होगा, कितनी मतलब डार्क चीजें होंगी, मतलब ऐसा ही हमने इसी थीम के साथ स्टार्ट की थी। मुझे लगा कि पता नहीं ये सलमान भाई को टक्कर दी है, पता नहीं क्या बात होगी। हाँ, लेकिन वो इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ, और उन्होंने इतना अच्छा अच्छा काम किया। हाँ, वो अपने कबीले के जो है वो आई थिंक उनके हेड आते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं, हमें इतना ज्यादा आइडिया नहीं है लॉरेंस बिश्नोई का, तो अब देखेंगे तो पता लगता है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप पर सुपारी ली, जेल से मर्डर कराया और फेसबुक पर दिया कबूलनामा। ये तेवर है देश के एक ऐसे गैंगस्टर के जो खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है, वो जेल की दीवारों पर भी भगत सिंह का पोस्टर लगाता है, और तो और जब कभी पुलिस कस्टडी में आता जाता है तो मूंछ परताव देता है। और ये है कहानी देश के सबसे स्मार्ट गैंगस्टर्स में से एक की, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब के मशहूर सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई की अपनी एक शानदार कहानी है, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। गैंगस्टर के तौर पर पहचाने जाने वाले लॉरेंस की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई थी, बाद में उसे गैंगस्टर काला जठेड़ी का साथ मिला। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी दिल्ली की जेल में बंद है, और अब हम आपको उनकी कहानी सुनाने वाले हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब के शहर फाजिल्का में हुआ, और उसका नाम उसकी माँ ने रखा। इस नाम के पीछे की एक वजह ये थी क्योंकि वो पैदा होने पर बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद चमक रहा था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नेम है, जिसका मतलब होता है सफ़ेद चमकने वाला। बचपन में जिस तरह से वो स्मार्ट और खेल में दिलचस्पी लेता था, उसे देखकर घरवाले तो यही सोचते थे कि एक ना एक दिन ये हमारा नाम ज़रूर रोशन करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाम रोशन तो करेगा, लेकिन खेल की दुनिया में नहीं, बल्कि जुर्म की दुनिया में। वो जुर्म जिसके खिलाफ कभी उसके पिता हुआ करते थे, माँ भी विरोध करती थी क्योंकि पिता खुद एक पुलिस वाले रहे। माँ पढ़ी लिखी थी और घर में करोड़ों की संपत्ति, लेकिन बेटा जुर्म की दुनिया में एंट्री कर जाएगा, शायद ही माँ बाप ने कभी सोचा होगा। अब इसकी जुर्म की दुनिया में सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि सिक्का जम चुका है। ऐसा सिक्का जिसे हिलाना आप किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसकी जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा है। इस लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तो सिर्फ 28 साल है, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 पार कर चुका है। भले ही लॉरेंस जेल में रहकर भी पुलिस का सिरदर्द बना है, पर इस लॉरेंस बिश्नोई के पिता लविंदर सिंह खुद पुलिस कांस्टेबल थे। करोड़ों की जमीन थी, बचपन में बेटे ने जो मांगा वो सब कुछ मिला। उसके महंगे शौक, महंगे कपड़े पहनना आज भी बरकरार है। स्कूल की पढ़ाई फजिलका में की, इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने चंडीगढ़ आया। यहाँ DAV कॉलेज में उसका दाखिला होता है। वैसे तो दाखिला पढ़ाई के लिए कॉलेज में हुआ था, लेकिन यहीं से वो जुर्म की दुनिया में भी एंट्री कर गया। इसकी वजह बनी कॉलेज यूनियन को लेकर दो गुटों में लड़ाई। दरअसल दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर से पूरी तरह फिट, ये सब देखकर दोस्तों ने उसे कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए तैयार करा दिया। लेकिन लॉरेंस की बचपन से एक आदत रही, वो जो कुछ करता था बड़ी शिद्दत और प्लानिंग से करता था। अब चुनाव लड़ना था तो उसने पहले ग्रुप बनाया,
उसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू। ये संगठन आज भी है, पहले से बनाने वाला आज जेल में है, ये बात अब दूसरी है। तो लॉरेंस विश्नोई ने पहले संगठन बनाया, उससे छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत की लेकिन नतीजा कुछ और निकला, वो चुनाव हार गया। लेकिन उसे हारने की आदत नहीं थी, लिहाजा वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गुस्से में उसने रिवॉल्वर खरीद ली। अब जब हाथ में हथियार आ जाए तो फिर गुनाह की दुनिया कब तक दूर रह सकती है। महीना था फरवरी का और साल था 2011। एक दिन लॉरेंस विश्नोई का सामना उसे चुनाव में हराने वाले विरोधी उदय गुट से हुआ। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और फिर दोनों में भिड़ंत हो गई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। मामला धूल पकड़ा और इधर पुलिस ने केस दर्ज किया। फरवरी 2011 में लॉरेंस विश्नोई पर पहली FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद तो इस FIR से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। फिर तो वो T20 मैच की तरह क्राइम में खेलने लगा और जुर्म की दुनिया में अर्धशतक भी लगा लिया। जग्गू भगवानपुरी से सीखा जुर्म के पैतरे, बन गया बादशाह। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस विश्नोई का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को जुर्म की दुनिया के वो पैतरे सिखाए जिनकी बदौलत आज वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह। ये जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है, जिसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। लेकिन अब तो जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। पर एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का ना तो सिर्फ रुतबा था बल्कि उसके नाम से ही अरकाम हो जाता था। उसकी दौलत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जग्गू के पास से 2 करोड़ के तो सिर्फ हथियार बरामद हुए थे। माना यह जाता है कि लॉरेंस विश्नोई भले ही एक शख्स हो लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर्स के चेहरे छुपे हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से सीखी और गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा और पर्च के सुखा से मिलकर हथियार के दम पर उगाही करने का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क भी बना लिया। इसके नेटवर्क में आकर काला जठेड़ी, रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर्स ने काली दुनिया का साम्राज्य खड़ा कर लिया। यही वजह है कि आज भले ही लॉरेंस विश्नोई जेल के अंदर हो लेकिन उसके देश के कई राज्यों में 600 से ज्यादा शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं। बस व्हाट्सएप से एक इशारा और पल भर में किसी का भी कहीं भी कत्ल। ये लॉरेंस विश्नोई का शातिर दिमाग और तेवर ही है जिसकी बदौलत उसका नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा है। गैंगस्टर के पैंतरे तो उसने पंजाब में सीखे लेकिन उसकी हनक ना सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली NCR में भी है। आज वो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए उतना ही सिरदर्द बना है जितना बाहर रहते हुए था। पुलिस को चकमा देना, जेल में फोन चलाना उसकी फितरत में शामिल कहा जाता है। और लॉरेंस विश्नोई ना सिर्फ देखने में देश का सबसे स्मार्ट गैंगस्टर है बल्कि उसके इरादे भी तेज तर्रार हैं। यही वजह है कि 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी करने जा रही थी तभी वो चकमा देकर भाग निकला। माना यह जाता है कि यहाँ से भागने के बाद वो नेपाल चला गया और वहाँ से आधुनिक हथियार लेकर पंजाब लौटा। लेकिन उसी दौरान 4 मार्च 2015 को वो फिर से पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, भले ही वो जेल चला गया लेकिन उसे सुपारी मांगने, गैंग को ऑपरेट करने और कत्ल कराने से कोई रोक नहीं सका। वो जेल में ही फोन के जरिए अपने गैंग को चलाता रहा और आज भी ये काम बदस्तूर जारी है। सिर्फ यही नहीं, वो जेल से ही फेसबुक पर फोटो अपलोड करता है, जेल में जिम भी करता है और तस्वीर फेसबुक पर आ जाती है। ये सब कुछ गुपचुप तरीके से नहीं बल्कि इसका कबूलनामा वो खुद फेसबुक पर करता है। अगर कोई बदमाश लॉरेंस विश्नोई के नाम पर किसी से रंगदारी मांगता है तो वो खुद फेसबुक पर मैसेज भेज इसका खंडन भी करता है। अपराध की दुनिया का एकमात्र ये गैंगस्टर है जिसके नाम पर फेसबुक पर 150 से भी ज़्यादा अकाउंट है। यही नहीं, कॉलेज के दिनों में बनाए हुए इसके सोपू नामक संगठन के भी कई फेसबुक पेज हैं। इन फेसबुक पेज को देखने से एक बात तो साफ होती है कि भले ही इसने क्राइम की दुनिया में रंगदारी से लेकर कई कत्ल किए हों लेकिन लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ या किसी भी तरह की घटना का ये खुलकर विरोध करता है। फिल्म अभिनेता सलमान खान को धमकी देकर आया था चर्चा में। 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस विश्नोई की पेशी थी।
उसी दौरान उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने सिर्फ धमकी नहीं दी थी बल्कि अपने साथी कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भी भेज दिया था। हालांकि चाक चौबंद सुरक्षा होने के कारण संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया था। दरअसल ये बताया जाता है कि गैंगस्टर विश्नोई समाज से है। उसका विश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है। सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था, इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की सुपारी ली थी। आपको क्या लगता है वो जेल से सब कैसे करता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो ये जो थी ना, जो हमने पहले वीडियो देखी थी विवेक बिंद्रा की, वो बिल्कुल उन्होंने व्हाइट वॉश किया हुआ था, और इनकी जब हमने वीडियो देखी है मिस्टिक लैंड की, तो इन्होंने बिल्कुल ब्लैक वॉश किया हुआ था। अच्छा, वो हिस्ट्री थी। हाँ, वो हिस्ट्री थी। और उसमें हिस्ट्री, लेकिन मैं देख रही थी कि उन्होंने ना बिश्नोई जो पूरा जो चलती आ रही है ना, जो एक कास्ट चलती आ रही है, उसको उन्होंने कवर किया था और बताया था कि बिश्नोई जो लोग होते हैं वो किस तरह के थे, उनकी क्या हिस्ट्री थी। लेकिन इसमें जो था उनका अपना बताया कि उनके उनके जो मदर थी वो भी एजुकेटेड थी और फादर जो थे वो थे आई थिंक पुलिस में थे, तो उसके बाद भी उन्होंने और वो एजुकेटेड है, वो ये लॉरेंस बिश्नोई एजुकेटेड है। और मैं मतलब देख रही थी कि किस तरह से मतलब जेल में रहते हुए वो पूरा चला रहे हैं। और ये सिद्धू मूसा वाला जो ये था, अच्छा मुझे एक्चुअली मुझे ये लगा था कि सिद्धू मूसा वाले की ना बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही होती थी, और जितने भी ये जो सिख वगैरह सिंगर थे इनकी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी चल रही होती थी, तो ये हमें इतना ज्यादा आइडिया नहीं होता था कि ये आखिर आपस में क्या कन्फ्लिक्ट है, किस चीज का कन्फ्लिक्ट है। तो ये वाला जो था ना कि सिद्धू मूसे का इनके साथ लिंक है, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। हाँ, लेकिन जब वो सिद्धू मूसा वाले की डेथ हुई थी तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि ये मैंने करवाया। अच्छा, मैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट किया था फेसबुक पे, जैसे वो कह रहे हैं ना कि वो हर चीज हर काम करके फेसबुक पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन सिद्धू मूसे वाला के इतने फैन हैं, इतने फैन हैं अभी तक हैं, और मैं कहती हूं पाकिस्तान में तो लड़के क्या लड़कियां सुन रही होती हैं सिद्धू मूसे वाले। मुझे तो भाई उनके गाने जो ना इतनी समझ नहीं आते एग्जैक्टली उनके गानों की, तो मुझे अगर मैं बोलूं ना कि मुझे इनके गानों की समझ नहीं आ रही, तो आगे से मेरी जो दोस्त है जो इतने डाई हार्ड सिद्धू मूसा के कहते हैं तुम्हें करण ओजला समझ आ जाता है, तुम्हें एपी डिलोन समझ आ जाता है, तुम्हें सिद्धू मूसा वाला समझ नहीं आता। वो इतना ज्यादा बेइज्जती करते हैं ना कि वो इतने ज्यादा फैन है कि उनको ये बात हजम नहीं होती कि कोई बुरा कहे कि किसी को ये कह रहा है कि इसको समझ नहीं आ रहा, क्या इसको कैसे समझ नहीं आ रहा। वो बहुत ज्यादा यू नो वो होस्टाइल हो जाते हैं, तो इस तरह की उनकी नेचर है। इवन मैं गाड़ी देख रही थी, पता नहीं ये डीएचए वाली साइड पे गाड़ी थी, उस गाड़ी पे पूरा वो लगा हुआ था सिद्धू मूसे का पोस्टर लगा हुआ था। यार लोग मतलब बड़े फैंस है, रूम्स में पिक्चर्स लगाई हुई है और उनके साइन के साथ शर्ट्स पहनी हुई है, पता नहीं मतलब क्यों इतना क्या है। मतलब वो पता नहीं वो एक जो होता है ना कि प्यार, जैसे हमें अपने एरा में हनी सिंह से होता था कि भाई हनी सिंह है या कोई इस तरह का। और लाइक वो सिद्धू मूसा वाला के लोग ज्यादा मुझे लगता है इसलिए भी फैन है कि वो ना मतलब एक था ना कि अलग ये कंट्री जाते थे। हाँ, तो उसके अच्छा, लिए वो काफी मुझे, आगे आगे हाँ, मुझे ये जो है ना खालिस्तान की जो पूरी जो एक कंट्रोवर्सी है, ये भी अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दें, क्योंकि हमें देखिए हमें अपने कंट्री का आइडिया होता है कि क्या क्या चल रहा है बलोचिस्तान में कश्मीर में, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं होता कि खालिस्तान का क्या सीन है या क्या है। तो वो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में सारी यानी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा हर मुल्क में चल रही होती है, हर मुल्क में कुछ ना कुछ जो होता है वो कन्फ्लिक्ट होते हैं। और ये खालिस्तान वाला तो अभी स्टिल भी चल रहा है, और ये मतलब इसमें ये फार्मर्स वाली बात भी आ जाती है, काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी करते हैं। ये तो हमने आई थिंक देखा था प्रोटेस्ट वगैरह, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जो है मतलब इन्होंने सलमान खान के साथ भी पंगा ले लिया। अच्छा, लेकिन बात वही है, जवेरिया लास्ट टाइम जब हम वीडियो देखने लगे थे ना, तो जवेरिया को लग रहा था कि उन्होंने शायद हिरन को मारा था, उसकी वजह से इनकी कंट्रोवर्सी है। शिकार करते थे वो जो ब्लैक डियर होता है ना उनका, और ये उनकी पूजा करते थे, तो उन्होंने लेकिन इसकी वजह से ही है कंट्रोवर्सी। ये देख रही हूँ कि वो जेल में उनको फोन दिया हुआ है, वो अपनी जेल में मिरर सेल्फीज ले रहे हैं। कैसे हो सकता है, मुझे तो इधर मिरर नहीं दिया हुआ, मुझे आज तो मेरा ही नहीं जेल जेल में तो इमरान खान भी है, हमने नहीं देखी कभी उनकी पिक्चर। मतलब इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जेल में होते हैं, इवन मैं अमेरिका के इतने ज्यादा जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं वो चले जाते हैं एक। अच्छा, ये सुना है कि उनको फैसिलिटेट किया जाता है, लेकिन इतना फैसिलिटेट किया जाता है कि वो जिम कर रहे हैं और आप यानी कि फेसबुक पे अपलोड भी कर रहे हो, आप व्हाट्सएप पे कॉल करके किसी को आप कह सकते हो कि आप सुपारी दे सकते हो किसी की, भाई यहाँ से इसको ये करवाना है, तो मतलब पूरा उनका कनेक्शन तो चल ही रहा है। और देखो वो मतलब जैसे वो स्टार्ट में बता रहे थे कि वो खुद को ठीक समझते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो बुराई खत्म कर रहे हैं।
अच्छा ये होता है कि जो गैंगस्टर्स होते हैं ना, उनका एक माइंडसेट होता है कि हम एक बुराई खत्म कर रहे हैं, ये बुरा है तो इसको खत्म कर दो, काम खत्म। लेकिन अब भाई हमें जो है वो ऑडियंस ही बता सकती है, ज्यादा गाइड कर सकती है, क्योंकि एक तरफ तो जो विवेक बिंद्रा थे उन्होंने बिल्कुल ही उस चीज को एक तरह से एक्सप्लेन किया था, इन्होंने बिल्कुल दूसरी तरह से एक्सप्लेन किया था, तो ऑडियंस हमें थोड़ा बहुत गाइड कर सकती है कि भाई क्या मतलब क्या रियलिटी आखिर क्या है। कुछ चीजें मुझे नजर आ रही कि कुछ चीजें गलत भी है, जैसे वो अगर हम वो बात कर ले उनकी सिद्धू मूसेवाला की, तो वो चीज बहुत ही गलत थी कि उन्होंने, यानी कि क्योंकि वो इतने बड़े एक स्टार, इवन एक इंसान तो थे ना यार, एक इंसान थे, और कत्ल जो करना वो वैसे ही गलत होता है, हर मजहब में हर धर्म में वो चीज गलत होती है, धर्म में हर वो गलत होती है, तो कुछ चीजें सही भी है इनकी, जैसे वो जैसे स्टार्ट से देखा जाए तो उनका ये था। लेकिन और अगर वो मतलब वो डियर्स की हिफाजत करते हैं, उनको उनका ख्याल रखना चाहते हैं, तो वो ठीक है, वो उनका एक मजहब है कि वो उनकी पूजा करते हैं, तो वो ऑब्वियसली वो उनको बचाएंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड उनके लिए किसी को भी मार देना वो भी गलत है, वो भी गलत है। तो काफी मतलब मैं कहती हूँ कि ग्रेइश सा यहाँ पे एरिया है, हमें हमारी ऑडियंस थोड़ा बहुत बता सकती है, गाइड कर सकती है कि उनको क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, क्योंकि मैं तो सोच रही थी कि बिल्कुल अच्छे इंसान है, पहले मुझे लगता था बहुत मतलब विवेक बिंद्रा की, मैंने कहा भाई बेस्ट इंसान है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, और इसके बाद अब दोबारा से ऐसा हो गया कि पता नहीं सही है, कॉइन फिर से दोबारा से ऐसा उलट गया है, तो अब ऑडियंस हमें बता सकते हैं कि भाई उनको कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, अगर गलतियां हैं तो क्या गलतियां हैं, और अगर अच्छाइयां हैं तो भाई क्या अच्छाइयां हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बहुत ज्यादा लोग कह रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई को देखें, लॉरेंस बिश्नोई को देखें, तो हमने कहा ये भी हम देख लेते हैं, लाइक करें, शेयर करें, और देखते रहें, सही रखें, टेक केयर।